ओम शांति। आज 13 मई 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई राज्य नहीं, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक संस्कृति, उसकी स्थापना का आधार क्या है? किस आधार पर वो स्थापन होता है? उत्तर, योग बल से, योग की ताकत से। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। कोई भी इंसान सारे विश्व पर राज्य स्थापित कर नहीं सकता, क्योंकि बाहुबल से हम कुछ लोगों पर तो शासन कर सकते हैं, बंदूक की नोक पर हम कुछ समय तो कुछ लोगों पर शासन कर सकते हैं, परंतु सदा काल नहीं। बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आ जा रे इस धरती पर। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानी दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुना, कहते भी ना आ जाओ, गीता का उपदेश फिर से सुना जा। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, वे सब का बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं, पुकारते हैं रूप को बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूं, मेरा आना दिव्य अलौकिक है, मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े
तन में, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परम आत्मा ही है। कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे बाप, कहते हैं मैं साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राज योग सिखा रहा हूं। परमात्मा आकर हर कल इसी समय सारे संसार की आत्माओं को अपवर्ड कर गिरती कला को चढ़ती कला करते, जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है कलयुग से सतयुग बनाने। मैं आता हूं ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है, ये नई बात है। आज तक हम पढ़ते थे लक्ष्मी नारायण का कंबाइन रूप है विष्णु, परंतु आज हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है, अर्थात लक्ष्मी भी विष्णु है और नारायण भी विष्णु है। ये विष्णु के दो रूप है, ये वंडरफुल राज है, समझने वाला राज है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। बाबा ने 14 साल की भट्टी के दौरान विष्णु चतुर्भुज बनना है ये लक्ष्य देखकर योग कराया था। लक्ष्य क्या दिया था कि हमने क्या करना है, विष्णु चतुर्भुज बनना है, यह हमारा लक्ष्य था उस भट्टी के द्वारा विष्णु चतुर्भुज बनना। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है, अर्थात चारों अलंकार अभी अपने जीवन में धारण करने हैं। बाबा ने कहा यह अलंकार आपके हैं, देव देवताओं को दिए हैं, अलंकार आपके हैं, परंतु यह अलंकार देव ब्राह्मणों को देवताओं को दिए, देने चाहिए थे आपको और दे दिए हैं देवताओं को, दे दिए हैं देवताओं को। ठीक है, हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना। तो जब हम विष्णु चतुर्भुज बनते हैं तब हम देवता बनते हैं। हमने नर और नारी दोनों संस्कारों को अभी धारण करना है और विष्णु चतुर्भुज बनना है, क्योंकि दो हाथ नारी के, दो हाथ नर के, दो हाथ नारायण के, दो हाथ लक्ष्मी के, अर्थात ये लक्ष्य सर्व आत्माओं को है,
चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, और वो जाकर बनेंगे, चाहे नर बनेंगे चाहे नारी बनेंगे, सतयुग के आदि देवता विष्णु सो देवता, विष्णु रूप में अपने दिव्य गुणों की पालना करने वाले होंगे। इसलिए लक्ष्मी भी विष्णु और नारायण भी विष्णु, हर नर नारी जो सतयुग के आदि में आएंगे वो विष्णु चतुर्भुज होंगे, जिन्होंने विष्णु चतुर्भुज अपने आप को पूरा पूरा बनाया होगा वही सतयुग के आदि में आएंगे। बात समझ गए होंगे, बहुत बहुत क्लियर ये बात समझ आई है, ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदल कर आया है, बाबा फिर से रूप बदल कर आया है, वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और गुरु लोगों को किसी को सुप्रीम नहीं कहेंगे, किसी भी गुरु को सतगुरु नहीं कह सकते, सुप्रीम गुरु सर्वोच्च गुरु नहीं कह सकते। गुरुओं का भी गुरु, टीचर्स का भी टीचर, बापों का बाप, एक शिव बाबा, ये तो बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल भेज देते हैं, कोई विरला बाप होगा जो टीचर भी हो, तो ज्यादा ज्यादा एक सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा, दो सब्जेक्ट पढ़ा सकेगा, सभी सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता ना, पर तो ये तो बाप सारे सब्जेक्ट का टीचर, ये सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वे आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी है भक्ति मार्ग का, सतयुग में तो माया होती ही नहीं, सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का या तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन चलता ही रहता है, आया जाता। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो, अभी भक्ति पूरी हो, दिन उदय होता है, ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। संगम पर कलयुग में वह सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी नहीं होता, ना ये ज्ञान कलयुग में होता है और ना ये ज्ञान सतयुग में होता है किसी के पास। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य कमाते, ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं। तुम देवताएं बन जाएंगे फिर ज्ञान ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अब यह रात्रि शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का री
इनकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम एक मास मनाना चाहिए। ऐसे बाप का जन्म जो है कितना मनाना चाहिए, एक मास कम से कम मनाना चाहिए, और छुट्टी भी नहीं करते। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं उनका होली डे भी नहीं मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिब्रेटर हूं, गाइड बन सबको ले जाता हूं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का, बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो। पहले पहले बाबा क्या कहते थे, आत्मा अंगुष्ठे मिसल है, ना अखंड ज्योति मिसल, अखंड ज्योति की तरह भी नहीं हो तुम, तो स्टार बिंदी मिसल एकदम, जिस बिंदी को इन आंखों से देखा नहीं जाता। बिंदी की परिभाषा है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, जिसकी ना लंबाई हो ना ऊंचाई हो ना चौड़ाई हो। क्या हम ऐसा बिंदु बना सकते हैं जिसकी लंबाई भी ना हो चौड़ाई भी ना हो ऊंचाई भी ना हो? विचार करो, जिससे दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखा या नापा ना जा सके। क्योंकि जिसको हम सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देख लेंगे तो उसको नाप भी लेंगे। हम जिसको नाप भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, मैं भी आत्मा बिंदी हूं जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम आत्मा ही पुनर्जन्म में आते हो, एक शरीर छोड़ते हो दूसरा लेते हो, दूसरा छोड़ते हो तीसरा लेते हो। मैं कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। तुम आत्माएं शरीर में आती हो, तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं, ये लोन लिया हुआ शरीर है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, दुख में हमेशा याद करते हैं। किसको याद करते हैं? हे भगवान, हे भगवान रहम करो, हे भगवान रहम करो। रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्यों, क्यों मांगते हो भाई रहम? क्योंकि वो बाप ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल प्योरिटीफुल सत्व गुणों में फुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना,
ये बाप का ही काम है। वे हैं रचयिता, बाकी सब हैं रचना। वो है रचयिता, बाकी सब हैं रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। दुनिया का लौकिक बाप रचना पालना करता है, विनाश नहीं करता है। और ये बेहद का बाप, ये बेहद का बाप आकर स्थापना पालना विनाश कराते हैं। पता नहीं है, ये भी ये कराता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, फट से राजधानी स्थापन हो जाती है। और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि होती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वे आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं है। विश्व पर राज्य दिलों पर राज्य करने वाला पा सकता है। भुजाओं की शक्ति से, तलवार तोप की शक्ति से, बॉम्ब्स मिसाइल की शक्ति से थोड़ा समय स्प्रेस कर सकता है, दबा सकता है, दमन कर सकता है, परंतु राज्य नहीं। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग के बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती पर आकाश पर सब तुम्हारा राज्य, धरती और आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहां है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को ये राजयोग सिखाता हूं। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था, वे इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म क्या होते हैं, स्थापन होते हैं ना। अनेक धर्म
विनाश होने है जरूर, अनेक धर्म विनाश जरूर होने हैं, अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, अनेक धर्मों की स्थापना और एक धर्म का विनाश होता है। भारत ही 100% सॉल्वेंट था, भारत ही 100% सॉल्वेंट था, विघन विनाशक था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। क्या कहेंगे? डबल अहिंसक। पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। अभी क्या बने हैं? पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को क्या करते हैं? स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। स्त्री भी और पुरुष भी दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव जो मनाते हैं ये कोई भी नहीं जानते, ये कोई भी नहीं जानते। कौन आके समझाएगा? ये बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी। किसने आकर प्रतिज्ञा ली थी? बाप ने आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म मैं तुम दोनों अंतिम जन्म में तुम दोनों क्या करेंगे? पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। तुमने देखा होगा पादरी क्या करते हैं, जब पादरी लोग चलते रहते हैं तो आंखें एक तरफ रहती है, आंखें एक तरफ देखते और किसी की तरफ देखते नहीं। नंज होती है ना, अब वे तो क्राइस्ट को याद करती है। नंज किसको याद करती है? क्राइस्ट को याद करती है। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। क्राइस्ट के लिए क्या कहते हैं? सन ऑफ गॉड। गॉड इज लाइट, गॉड इज लाइट। भगवान जो है वो एक लाइट है और क्राइस्ट जो है वो भगवान का पुत्र है। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है कि भी हम हमेशा क्या पहने,
सफेद कपड़ा पहने, ऐसा कोई तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। क्या? तुम तो आत्मा हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। नन बट वन। कौन हो? नन बट वन हो। एक को ही याद करना है, सच्ची नंस तो तुम हो। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तब ही विकार विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है कि माम एकम याद करो। आत्मा उनको याद करेंगे तब ही उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है माम एकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करते हैं। नंस किसको याद करते हैं? क्राइस्ट को। गॉड को तो पता ही नहीं है कि गॉड कौन है। गॉड इज लाइट। गॉड कौन है ये नहीं जानते। वो क्राइस्ट को ही गॉड समझ लेते हैं, कहते भी हैं, समझते भी हैं। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है ना। वे त्रिकालदर्शी हैं। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कोड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वे तो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, और तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह हर एक आत्मा को बोलो। क्या बोलो? बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगे, फिर चढ़ने में 1 सेकेंड। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो,
तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो, अर्थात मुझ एक बाप का कहना मानो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे विकर्म पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाओगे? पुण्य आत्मा बन जाओगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये बात नहीं, नई बात नहीं है। पहली बार आप मनुष्य से देवता नहीं बन रहे हो, हर 5,000 साल के बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं, ये है खेल। भारत की ही कहानी है, ये बातें बाप ही समझाते हैं, कोई वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल पीसफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं, तुम भी पूज्य थे फिर पुजारी बनते हो, आप पे ही पूज्य आप पे ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं है। तुम भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, व्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की। कब से? द्वापर से। फिर नीचे उतरते आए, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते हो और पहले माफिक 5,000 साल पहले जैसे आपने पुरुषार्थ किया था उसी प्रकार अब भी पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं कृष्ण अर्पणम, पर तो वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के मिल के लिए मिल जाता है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ जहां से सब
एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ, योग से हेल्थ और सृष्टि चक्र को जानने से वेल्थ, क्योंकि ज्ञान से वेल्थ। ज्ञान क्या है? सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोलो, जहां बहुत आ सके बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते। वो तो नेचर क्योर करते नेचुरल चीजों से इस नश्वर शरीर का इलाज करते, और आप तो आत्मा के मास्टर सर्जन हो, और आप तो आत्मा की नेचर ही प्योर कर देते हो। वंडर नेचर बदल प्योर बना देते हो। इस समय सभी इम्प्योर हैं, सब पतित हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन, तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रेन। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी इस अनमोल जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। तो हानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्व गुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्व गुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूं, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। ओ शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 140 देशों में से किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें प्रश्न पूछने के लिए केवल व्हाट्सएप करें 9213106986। ओम शांति।